आगरा जिलाधिकारी पूरे जिले में सफाई अभियान चला रहे हैं। डेंगू और मलेरिया के कारण जनपद आगरा में सफाई का विशेष ध्यान रखा जा रहा है, लेकिन डीएम सर के ऑफिस के ऊपर ही गंदगी का अंबार लगा हुआ है। डीएम कार्यालय के सेकंड फ्लोर पर जगह जगह गुटखा खाकर दीवारों पर सीढ़ियों को रंग दिया है। वहीं लोगों से जब गंदगी को लेकर बातचीत की तो लोगों ने कहा कि हमने कई बार डीएम सर से शिकायत भी की है, लिखित में उनको एप्लीकेशन भी दी है, उसके बावजूद भी अभी तक सफाई की ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। जैसे साफ जाहिर है कि जिलाधिकारी कार्यालय के बाबू कर्मचारी खुद ही हास्य का पात्र बन रहे हैं। ऐसा जो जिलाधिकारी कार्यालय के ऊपर जितनी सारी ये गंदगी है, इस पर कर्मचारी, फोर्थ क्लास कर्मचारी, अन्य कर्मचारी ये आके वहाँ गंदगी फैलाते हैं, मसाला थूकते हैं, आदमी वहाँ टॉयलेट वगैरह करने जाते हैं। इस बात की मैंने पूर्व में भी जिलाधिकारी आगरा को एक प्रार्थना पत्र दिया था, इसको लेके आप निरीक्षण करें। आप कम से कम इसके यहाँ के मालिक हो, कलेक्टर को, तो आपको ये देखना चाहिए कहाँ मोदी और योगी इस पर ध्यान दे रहे हैं कि सफाई हो, लेकिन अधिकारी यहाँ बिल्कुल भी निरीक्षण नहीं करते हैं। कर्मचारी अपने आप ही आके वहाँ गंदगी फैलाते हैं, कुछ उसकी सफाई नहीं कराते हैं, कोई काम नहीं कराते हैं वहाँ। उन्हीं के द्वारा फैलाई जा रही गंदगी के आधार पर मैंने एक प्रार्थना पत्र जिलाधिकारी आगरा को दिया था, जिसकी कॉपी भले ही मैं आपको प्राप्त कराऊंगा, फाइल में ढूंढूंगा, मैंने कॉपी दी थी, उसकी कॉपी भी रखी है, तारीख भी पता है किस तारीख में दी थी, मैं आपको दूंगा उस कॉपी को। पर यहाँ पर बिल्कुल ही अंबार लगा हुआ है गंदगी का। ये गंदगी कर्मचारियों द्वारा फैलाई जाती है, यहाँ जो है थूकते हैं, मसाला खाते हैं और टॉयलेट वगैरह भी करते हैं। अधिकारी को कुछ कहते नहीं है, अधिकारी देख नहीं दिए, कभी निरीक्षण नहीं किया अधिकारी ने। गंदगी तो फैलेगी, बहुत से लोग जो है बंदर कुछ फैलाते हैं, कुछ जो है पब्लिक फैलाती है, कुछ जो अधिकारी कर्मचारी फैला रहे हैं, कर्मचारी फैलाते हैं।